कांड की एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं, जहां सीबीआई ने पीड़िता के बयान को दर्ज कर लिया है। पीड़िता की तबीयत सुधरी है, आईसीयू से पीड़िता बाहर है और सीबीआई ने एम्स जाकर उसका बयान भी दर्ज कर लिया है। उन्नाव रेप कांड पर सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है लगभग, और सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। अब सीबीआई अपनी रिपोर्ट 6 सितंबर को दाखिल करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार पुष्कल जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। कुमार पुष्कल, देखिए उन्नाव रेप कांड पर एक्सक्लूसिव खबर है कि सुनवाई जो इस पे चल रही थी, जो अपडेट्स आ रही थी, वो पूरी हो चुकी है, यानी कि अब पर्दा उठने वाला है। कुमार पुष्कल, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर ये कहा जा रहा है कि पीड़िता की हालत अब बेहतर हो रही थी, इसे आईसीयू और जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था, और आज सीबीआई एम्स पहुंची है और पीड़िता का बयान दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर से ये देखा जाए कि बयान दर्ज करने के बाद ये माना जा रहा है कि 6 सितंबर को ये पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पेश की जाएगी, और उसके बाद पूरे मामले में सुनवाई है अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और फैसले का वक्त अब आ गया है। जिस तरह से साफ तौर से पीड़िता के ठीक होने की बात कही जा रही थी कि पीड़िता के ठीक होने के बाद ही बयान दर्ज हो पाएंगे, सीबीआई इसका वेट कर रही थी, और आज वो दिन आ गया है जब पीड़िता उस हालत में है, बयान देने की हालत में है, और अब साफ तौर से आज सीबीआई ने बयान दर्ज कर दिया है। क्या बयान दिया गया है पीड़िता की तरफ से सीबीआई को, उसके बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि बयान दर्ज किया गया है, और ये कहना मुश्किल है कि पीड़िता ने किस तरह के बयान दिए हैं। साफ तौर से जिस तरह से पीड़िता और उनके परिवार पूरी तरह न्याय की मांग कर रहे थे, साफ तौर पे सेंगर की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। मतलब पुष्कल, जो पीड़िता का बयान है उसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक 6 सितंबर को सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंपेगा? हाँ बिल्कुल, साफ तौर से सीबीआई इस तरह के बयान को गोपनीय रखती है, और 6 सितंबर का वक्त अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 4 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई होगी, और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि पीड़िता का बयान आखिरकार सेंगर के लिए एक बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिल्कुल कुमार पुष्कल, जैसा कि हम भी दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि पीड़िता की हालत फिलहाल ठीक है, आईसीयू से बाहर है, तो क्या अगली जब सुनवाई होगी या जो फैसला आएगा उस वक्त पीड़िता भी वहां मौजूद रह सकती है क्या? देखिए, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आज जिस तरह से काफ़ी दिनों से सीबीआई वेट कर रही थी कि पीड़िता की हालत बेहतर हो और उस बेहतर हालत के बाद उसका बयान दर्ज हो सके, और आज वो समय आ गया था जब सीबीआई बेहतर स्थिति में पीड़िता से बातचीत की, पूरी बयान दर्ज की है, काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर एम्स में देखी जा रही है, उस पूरे वार्ड के आसपास किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है साफ तौर पे, तो कहीं ना कहीं पीड़िता का बयान आज जिस तरह से सीबीआई ने दर्ज कराई है, कहीं ना कहीं 6 सितंबर को जिस तरह से पूरे सबूत के साथ इस मामले को पेश किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेंगर की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल पुष्कल, सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन जो पीड़िता के परिजन है पुष्कल, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया, क्या उनका भी स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सीबीआई ने आज जिस तरह से एम्स जाकर पीड़िता का रिपोर्ट दर्ज किया है, काफ़ी अहम मायने हैं इस पूरे घटनाक्रम में, एक नया मोड़ आ सकता है, चूंकि साफ तौर पे सीबीआई कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी कि पीड़िता की हालत खराब होती जा रही थी, इसके बाद उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया था, और बाद में साफ तौर पर यह पता चला कि जैसे जैसे पीड़िता का सुधार, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, आईसीयू से उसे बने रही, एक और बड़ी खबर है वो भी दर्शकों तक।